अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस के चैनल कुशांबी रेस्क्यू 1122 सिंध में पूरे सिंध के लिए 822 ज़बरदस्त वैकेंसीज के अनाउंसमेंट हुई है। मेल फीमेल इस पर पूरे सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपके एजुकेशन मिडिल मैट्रिक ग्रेजुएशन और आप डिप्लोमा पास हैं तो आपके पास एक ज़बरदस्त मौका है कि आप रेस्क्यू 1122 सिंध पर पूरे सिंध से अप्लाई करें। सिंध भर से अप्लाई करने के अलावा आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड और उसे फिल कैसे करना है, इसका मुकम्मल और आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो एंड तक वॉच करें, चला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरे चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस विजिट कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वफाकी सूबाई और बैंक रिलेटेड जॉब से वीडियो भी अपलोड की हैं। इनके अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका मैंने इन वीडियोज़ में भी बताया हुआ, इन्हें भी आप जरूर वॉच करें। देखते हैं आज का जॉब एडवर्टाइजमेंट। ये देख सकते हैं सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज 1122 पूरे सिंध से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन इसकी मौजूद है। 15% कोटा जो इसमें होगा फीमेल्स के लिए होगा, इसलिए उनको हाईली इंकरेज किया गया है कि उन पर अप्लाई करें। इमरजेंसी ऑफिसर PPS 7 का स्केल है। टोटल 15 वैकेंसीज हैं, 2 कराची की, 1 दादू कमर शहजाद कोट, 1 सांगड़, 1 थरपारकर, 1 उमरकोट, 1 कोटकी, 1 जगबाबाद बदीन जामशोरो ठट्टा सुजावाल शिकारपुर नौशेरा फरोज की 1 वैकेंसी है। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, प्रेफरेबली पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएशन आपने की हो, मेडिकल ग्रेजुएट हों या मास्टर आपने की हो इन पब्लिक हेल्थ डिजास्टर मैनेजमेंट में, या आपने BE की हो मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में सेकंड डिवीजन, कम से कम 30 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट आपके सामने 25 से 35 साल है। स्टेशन हाउस इंचार्ज टोटल 13 वैकेंसी हैं। कराची दादू कम्बर शहजाद कोट सांगड़ थरपारकर उमरकोट घोटकी जगबाबाद बदीन जामशोरो ठट्टा शिकारपुर नशीरो फरोज की 1-1 वैकेंसी है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके सामने मेंशन है, इसे आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अकाउंटेंट की 10 वैकेंसीज हैं, कराची की 10, हैदराबाद 1, लड़काना 1, मीरपुर खास 1, शहीद बेनजीराबाद 1, सखर 1। एजुकेशन आप देख लें। IT ऑफिसर की 10 वैकेंसीज हैं, कराची की 5, हैदराबाद 1, लड़काना 1, मीरपुर खास 1, शहीद बेनजीराबाद 1, सखर 1। शिफ्ट इंचार्ज की 26 वैकेंसीज हैं, 20 कराची की हैं, 2 हैदराबाद, 2 सखर, 2 लड़काना। ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज 10 वैकेंसीज हैं, 5 कराची की, 1 मीरपुर खास, हैदराबाद, लड़काना, सखर, शहीद बेनजीराबाद की 1 वैकेंसी है। लीड फायर रेस्क्यूर या फायर फाइटिंग ऑफिसर की 12 वैकेंसीज हैं, 7 कराची की, हैदराबाद 1, सखर मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, लड़काना की 1 वैकेंसी है। आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कंट्रोल रूम इंचार्ज की 10 वैकेंसीज हैं, कराची की 7, हैदराबाद की 2, सखर की 1। ऑफिस असिस्टेंट की 13 वैकेंसीज हैं, दादू कम्बर शहजाद कोट सांगड़ थरपारकर उमरकोट कोटकी जगबाबाद बदीन जामशोरो ठट्टा सुजावाल शिकारपुर नौशेरो फरोज की 1-1 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा सेंटर वायरलेस ऑपरेटर टोटल 100 वैकेंसीज हैं, 50 कराची की, हैदराबाद 10, लड़काना 10, मीरपुर खास 10, शहीद बेनजीराबाद 10, सखर 10। बैचलर डिग्री आप कम से कम पास हों किसी भी फील्ड में और आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की 150 वैकेंसीज है, 100 कराची की, 20 हैदराबाद, सखर 20, लड़काना 10। डार्ट रेस्क्यूअर की 200 वैकेंसीज हैं, कराची 50, दादू 10, कम्बर शहजाद कोट सांगड़ थरपारकर उमरकोट कोटकी जैकबाबाद बदीन जामशोरो ठट्टा सुजावाल की 10-10 वैकेंसीज हैं। ड्राइवर ऑपरेटर HTV हैवी मशीन ऑपरेटर एक्सकेवेटर फायर फाइटर डंपर ट्रक एक्सेट्रा की टोटल 50 वैकेंसीज हैं, कराची की 10 हैं, दादू की 5, कम्बर शहजाद कोट 5, सांगड़ की 5, थरपारकर 5, उमरकोट कोटकी जैकबाबाद बदीन जामशोरो ठट्टा सुजावाल शिकारपुर नशीरा फरोज की 2-2 वैकेंसीज हैं। ऑटो टेक्नीशियंस की 10 वैकेंसीज हैं, एनी वेयर इन सिंध प्रोविंसेस पूरे सिंध के लिए इसकी 10 वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन हेल्पर फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल टोटल 25 वैकेंसीज हैं पूरे सिंध के लिए। ड्राइवर LTV टोटल 75 वैकेंसीज हैं, कराची 10, दादू 5, कम्बर शहजाद कोट सांगड़ थरपारकर उमरकोट घोटकी जैकबाबाद बदीन जामशोरो ठट्टा सुजावाल शिकारपुर नशीरा फरोज की 5-5 वैकेंसीज हैं। ऑफिस अटेंडेंट की 13 वैकेंसीज हैं, आप मिडिल से पास हों, दादू कम्बर शहजाद कोट सांगड़ थरपारकर उमरकोट कोटकी जगबाबाद बदीन जामशोरो ठट्टा सुजावाल शिकारपुर नशीरो फरोज की 1-1 वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड की टोटल 80 वैकेंसीज हैं, कराची के लिए 15, दादू 5, कम्बर शहजाद कोट सांगड़ थरपारकर उमरकोट कोटकी जगबाबाद बदीन जामशोरो ठट्टा सुजावाल शिकारपुर नशीरो फरोज की टोटल 5-5 वैकेंसीज हैं। टोटल ये वैकेंसीज 822 हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, टर्म एंड कंडीशन आप डिटेल में खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान 25% एडिशनल अलाउंस फीमेल्स के लिए मुकर्रर किया गया है, उनको दिया जाएगा। इसके अलावा इन पोस्टों के लिए रनिंग हाइट सिटअप एंड पुशअप और चेस्ट आपके सामने मेंशन है,
अगर तो आप रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पे पूरा करते हैं तो लाजमी इसमें अप्लाई करें। बाकी टर्म एंड कंडीशन को डिटेल में आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद पीटीएस की वेबसाइट आप रेगुलरली चेक करते रहें, वहाँ पर आपकी तमाम स्लिप्स अपलोड की जाएंगी जिसमें मेडिकल, फिजिकल और रिटन टेस्ट की स्लिप शामिल हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने पीटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से इनकी डिपॉजिट स्लिप और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और जिनका चालान फॉर्म होगा वो आपने एचपीएल यूबीएल की किसी भी ऑनलाइन ब्रांच में या आप उसकी फ़ी इजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करने के बाद चालान फॉर्म की कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट आपने उसके अटैच करके पीटीएस हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजले हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद को आपने सेंड कर देने। अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 सितंबर 2023 है। आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। आपने वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है और उसे कैसे फिल करना है, आपने गूगल में सर्च करना है पीटीएस। पहली वेबसाइट आपके सामने है, किसी आपने ओपन कर लेना। न्यू प्रोजेक्ट में आप नीचे देखेंगे रचिंद्र रेस्क्यू 1122545 इसका प्रोजेक्ट है, इसी पर आपने क्लिक करना। एडवर्टाइजमेंट व्यू अप्लाई भी आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके डिटेल में खुद भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उन तमाम पोस्टों का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है शिफ्ट इंचार्ज, इसके अलावा ये देख सकते हैं आप कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा सेंटर। तमाम एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का और इसे फिल करने का सेम तरीका, इसे मैं आपको फिल करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा। इसे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसे आपने प्रिंट ले लेना है। इसे यहाँ पर आपने एक पिक्चर अपनी आप लगानी है, यहाँ पे अपना फुल नेम फादर नेम आपने लिखना है, खुश करें कैपिटल लेटर में आप लिखें, अपने जेंडर पर टिक करें, डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे सेम ऐसे लिखें, सीएनआईसी लिखें, इसे दोबारा एंटर करें, अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखें, अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिखें, कम्प्लीट अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें, अपना परवेंस लिखें, अपने किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ लिखें, अपना रिलीजन आप बताएं मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, कोई डिसेबिलिटी आपको है तो येस कर दें अदरवाइज नो पर टिक करें, करंट ऑक्यूपेशन आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या आप एक्स सर्विस मैन हैं तो इस पर टिक करें, अदरवाइज अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं तो इस पर टिक करें। इसके बाद कह रहा है डिजायर टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं अपना, अपने टेस्ट सेंटर की यहाँ सेक्शन करें टिक करें उसके ऊपर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर तो आप छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड या अटेंडेंट के लिए तो आप मिडिल से स्टार्ट करें, यहाँ पर मिडिल लिखें, पासिंग ईयर लिख दें और एंड में सब अपने स्कूल का नाम लिख दें। अगर आप बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक से स्टार्ट करें, मैट्रिक इंटर डिप्लोमा ग्रेजुएशन 14 साल और मास्टर 16 साल, अपना पासिंग ईयर मार्क्स ऑब्टेन टोटल मार्क्स परसेंटेज डिवीजन बोर्ड और इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर लिख दें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन डिप्लोमा या कोर्स है कोई तो आप यहाँ पर उस पर लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर लिख दें, डिप्लोमे का नाम फ्रॉम टू और टोटल ड्यूरेशन लिख दें। जॉब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑलरेडी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो अपने डिपार्टमेंट का यहाँ पर नेम लिखें, पोजीशन का नेम, कब से कब तक, टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख दें। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, फर्स्ट आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करना है और अपना थंब इंप्रेशन इस पर देना है। इसके अलावा तमाम आपने इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, सीएनआईसी की एक अटेस्टेड कॉपी आपने फोटो कापी यहाँ पर अटैच करनी है और पेड जो चलान फॉर्म होगा वो आपने इसके साथ अटैच करना है। इसके अलावा आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने, यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, अपने फादर का नेम, एक पिक्चर आपने यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर डेट लिखेंगे और थंब इंप्रेशन अपना यहाँ पे देंगे, सिग्नेचर इसको करेंगे। बैंक डिपॉजिट स्लिप में दो टाइप की स्लिप्स हैं, एक ये पीटीएस की कॉपी है, एक ये बैंक की कॉपी है, बैंक की वाली कॉपी अपने पास रख लेगा। ये पीटीएस की कॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म साथ आपने अटैच करके इनके मुताल एड्रेस पर भेज देनी है। आप इनकी फ़ी पेमेंट ऑनलाइन मोबाइल पैसा ईजी पैसा जैस कैश या बैंक के थ्रू डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पर बैंक का नाम लिखें, ब्रांच का, उसका कोड, किस तारीख को आपने पेमेंट किया वो यहाँ पे लिख दें, अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, अपना सीएनआईसी नंबर यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है और इसकी पेमेंट करने के बाद उसको आपने यहाँ पे टिक करना है। इस चालान फॉर्म की पीटीएस की कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है और साथ सीएनआईसी की कॉपी और 2 तस्वीरें लगाकर आपने इस एड्रेस पर आपने सेंड कर देनी है, पीटीएस हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर अदील प्लाजा फजले हक रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी सुबाई या वाकई गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बरों पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड और फिल करने में कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।